आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड फ्रेट पे केपो लगाइए, उसके रिस्पेक्ट में कॉर्ड्स बता रहा हूं मैं। ठीक है, जो सबसे पहला कॉर्ड है वो है डी मेजर, उसके बाद है D7, डायग्राम में देख सकते हैं D7। ठीक है, उसके बाद है G मेजर एंड A मेजर। ठीक है, तो इतने कॉर्ड्स यूज हैं, फिर से देख लेते हैं D मेजर, D7, G मेजर एंड A मेजर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं प्लकिंग पैटर्न की तरफ। जिसमें मैंने प्लकिंग पैटर्न यूज किया है वो कुछ इस तरीके से है। डी मेजर के लिए रहेगा 4 3 2 3 1 2 3 2। ठीक है, 4 3 2 3 1 2 3 2। सेम ये D7 के लिए भी रहेगा 4 3 2 3 1 2 3 2। ठीक है, 4 3 2 3 1 2 3 2। ए मेजर के लिए चेंज हो जाएगा, ये होगा 5 4 2 3 1 2 3 2। ठीक है, 5 4 2 3 1 2 3 2। जी मेजर के लिए भी चेंज रहेगा 6 5 2 3 1 2 3 2, 6 5 2 3 1 2 3 2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। जो पहली पैराग्राफ की प्रोग्रेशन है वो है डी मेजर, D7, जी मेजर एंड डी मेजर। ठीक है, और इसमें कई सारी लाइनें बार बार रिपीट होंगी। ठीक है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, मैं उस लाइन को एक ही बार एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो जो पहली लाइन है वो कुछ इस तरीके से है। D7 और D7 में अगर प्रॉब्लम होनी तो आप D पे ही उस लाइन को गा सकते हैं। आज जाने की जिद ना करो, D7 अच्छा इफेक्ट रहेगा। ठीक है, आज जाने की जिद ना करो। ठीक है, G पे ही रहेंगे, यूं ही पहलू में बैठे D मेजर रहो। ठीक है, G2 D, जो पूरी पैराग्राफ पूरी दोनों लाइनें हैं उसको एक साथ प्ले करके देख लेते हैं। आज जाने जो पहली लाइन है वो इसके बाद वापस से रिपीट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रोग्रेशन है उसकी वो है A मेजर टू G मेजर A मेजर टू G मेजर A मेजर टू G मेजर। ठीक है, तो A से शुरू करेंगे G मेजर, मर जाएंगे वापस A, हम तो G मेजर, A टू G करना है हमें 3 times। ठीक है, लास्ट लाइन रिपीट कर देंगे। पहली लाइन पे वापस समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रोग्रेशन है वो है
जी मेजर, डी मेजर, ए मेजर, जी मेजर, ठीक है। तुम ही सोचो रिपीट कर देंगे इसके बाद जो प्रोग्रेशन है हम जी पे ही रहेंगे ठीक है जी मेजर टू ए मेजर देन वापस जी मेजर ए मेजर ठीक है इसके बाद वापस ये पैराग्राफ इसको एक बार एक लेकर के देख लेते हैं और प्रोग्रेशन एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं ठीक है ए मेजर टू जी मेजर देन डी मेजर ए मेजर जी मेजर उसके बाद वापस ए मेजर एंड जी मेजर ठीक है आपको इतना समझ में आ गया इसके बाद जो प्रोग्रेशन हुआ है जी मेजर टू डी मेजर देन वापस जी मेजर टू डी मेजर देन वापस जी मेजर टू डी मेजर ठीक है तो ये थ्री टाइम्स है जी मेजर टू डी मेजर जी मेजर टू डी मेजर एंड जी मेजर टू डी मेजर ठीक है उसके बाद जो प्रोग्रेशन है वो बस जी के बाद हमें वापस ए पे आना है देन वापस जी पे आना है ठीक है तो इसको प्ले करके दिखा देता हूं मैं वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही है जो आजाद है तो ये जी मेजर टू डी मेजर जी मेजर टू डी मेजर टू जी मेजर था ठीक है वक्त की कैद में इसके बाद वापस डी पे आएंगे तो डी मेजर जी मेजर ए मेजर टू जी मेजर ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच लाइक अ बर्ड ऑन अ ट्री आई एम जस्ट सिटिंग हियर I got time, it's clear to see From up here, the world seems small We can sit together